हेलो। हाँ छोटोड़ा भाई साहब, किया हो? ठीक हो? किया करियो आज फोन? हैं थे आ रहे हो? अरे वाह वाह, तो बढ़िया बात है। हाँ, आजो भाई साहब आजो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक। अरे अनिश्का बिन्नी, ओ अनिश्का बिन्नी। हाँ मम्मी जी, अब आ रहे नहीं था छोटोड़ा बुआ सासू जी को फोन आयो, जो आ रहे हैं आज। ठीक है ने? जो को बैंक वास्ते थोड़ी तैयारी कर लीजो। सावल मैंने शेर का है और थोड़ा पैसा वाला है यहाँ, जो मैंने हर कोई चीज वीज यहाँ पसंद को नहीं आवे, जो मैं खाबा को और पीबा को और सगली सावल व्यवस्था कर लीजो पहली करके। मैं देख लीजो कॉफी नाश्ता, मैं नमकीन वमकीन सब चीज है तो सही ना। और मैंने है ना पत्ता गोभी की सब्जी पसंद है, जो को आज यहाँ कर जो पत्ता गोभी की सब्जी बना जो खाना मायने। हाँ, ठीक है मम्मी जी, मैं सारी तैयारी कर दूंगी। ठीक है। वाह वाह ठीक है, जाओ जनते काम करो। देखन ओ चिंटू मम्मी, कौन है? कौन? काई मैं ही हूँ, काई करो थे? ओ बसंती बाई थे वो की? आओ आओ बैठो आओ, आज तो घना दिन हूँ आया थे। भाई ओ मत, तबीयत ठीक होनी ओ तब भी ठीक हो नहीं? आओ आओ थर्टी नाओ अटी नाओ, सोफा पर बैठो, नीचे मत बैठो, आज बैठी जी कोनी। हाँ तो अपन नीचे के वास्ते बैठना है, कह तो ऊपर बैठो आराम हो। और बताओ, घना दिन हो आया अब की बार तो। घर काम आ गया, घर का काम हो, तबीयत ठीक होने दे, जो टाइम ही कौन मिलियो जी। आज मैं क्या पा टाइम निकाल रही, चाल 5 मिनट बातचीत कर रहा हूँ। फिर बताओ काई करो आजकल है? अरे मारे कहीं आज छोटोड़ा भाईसा को फोन आयो, जो बे आभार आए शेर आला भाईसा, जो को आज बे आई जो थान तो ठाई है बे शेर के मायने रेवेर कितना पैसा वाला है, भेजे ही पैसा वाला है। बैंक खातेदारी में टाइम तो लागे ने, जो बोई केवी बीनडी तैयारी तैयारी कर लो, रो बार फोन आयो ही हो। एक मिनट मार मोटोड़ा भाई साहब फोन है, बात कर लू दुकानी। हेलो। हाँ भाई साहब। हाँ चको वाह चोको। फोन हो चिंटन मम्मी? अरे बसंत भाई, मारे मोटोड़ी ननद को फोन हो, गांव में कौन रेवे की बे बैंको। मैं क्या आज मैं ही आऊं? अब बताओ थे कट जरूरत है अब्बा की है, पर क्या मैं ही आऊं? आमंदन चिंटन मम्मी, बहन बेटी ठान कन्नो काई मांगे, ठान कन्नो हुए जीशो दीजो की कोनी, मिलर जाई परी विरोई मन हल्को हो जाई। वाह ठीक है चिंटन मम्मी, अब मैं चलू। हाँ भाई बसंती भाई हो थे आया, मन तो बढ़िया लाग्यो। और आई जो है माँ नाना दाव जी मिलबा ना जो। ठीक ठीक है। अरे हनिष्का बीननी। हाँ मम्मी जी। अब आ रहे ने बेटा मोटोड़ा बुआ सासू जी को फोन आयो, जो को बे ही आवे। अब बताओ कांटा काई वास्ता आवे बे? अच्छा कोई बात नहीं, तो मम्मी जी आने दो ना, वो भी मिल लेंगे अपने से। छोटे वाले बुआ सासू जी तो आ ही रहे हैं, साथ में बड़े वाले भी आ जाएंगे, तो दोनों बहनें भी आपस में मिल लेगी और हम सब भी मिल लेंगे। अच्छा तो मम्मी जी, मैंने है ना छोटे वाले बुआ सासू जी के पसंद की पत्ता गोभी की सब्जी तो बना दी, तो बड़े वाले बुआ सासू जी को क्या पसंद है, उनके भी उसी हिसाब से सब्जी बना देती हूँ। अब बे को काई है, मैं तो गरीब घर का है, घालना जो कोई खा ले वे, मैं घर में किसिया काई है, पसंद ना पसंद वाली जान की कोई चीजा को नहीं, सगली खा ले वे की बना दी जो आगोर वाह। जल्दी करो थे, जल्दी काम खत्म करो। भाभी ओ भाभी, अरे भाई साहब आओ आओ आएगा थे, आओ आओ। अरे भाभी थाके तो अटे बारे रोड के ऊपर कितना खाड़ा है, सड़क के माथे चालता चालता गाड़ी मार तो पेट ही दुखवा लागो। मैं रहू ने जटे सड़क के माथे तो इतनी बढ़िया सड़क बनाई है कि यहाँ पेट को पानी ही कोनी हिले। आई ही है बनावे कोनी है, सरकार का ऐसा काई करे ठाई कोनी, रोड फुटियोड़ी पड़ी है तो पड़ी है। आओ अटिन बैठो छोटोड़ा भाई साहब। अरे भाभी थाके तो सोफा कितना कड़क है, बैठे जन एकदम यहाँ कमर के मान दर्द उगो। मारे तो घर में सोफा यान का है एकदम स्पंज वाला, बैठता इतना तो आराम लगे। अरे छोटोड़ा भाई साहब, हम भाई ने घणो ही कियोड़ो है, कोई बढ़िया सोफा लाओ लाओ, पर लावे कोनी, काई करा अबे ऐसे ही है। अरे छोटे वाली बुआ सासू जी आप आगे पगे लागू। अरे बस बस खुश रहो खुश रहो। हनिष्का बीनी जाओ बुआ साहब वास्ते पानी ले रहो। हाँ अरे भाभी
मार बेक के मायने में नमकीन, रसगुल्ला, पापड़ और सोन हलवो, सोन पापड़ी सब कुछ ले रही हूँ। अरे भाई साथ है तो आओ, जितनी बारी बेचा खर्चो करो, इतो खर्चो क्या न करो है। बीननी ले लो, मान लीजो बेग, मान निकाल दो सामान सगड़ो। अच्छा ठीक है। आहा छोटी वाली बुआ सा पानी। अरे भाभी पानी ज्यादा ठंडो को नहीं है, लेकिन मैं तो फ्रिज से ही लेके आई हूँ पानी। नहीं नहीं है छोटोड़े भाई सा, है तो फ्रिज को, फ्रिज में ही लाई है पीने पानी। तो वो छोटो वालो फ्रिज उलो भी मैं कम ही ठंडो हुआ करे, मारे बटे तो डबल वालो फ्रिज है, नीचे और ऊपर भी पूरा बहुत बड़ो है, बाहर ही खरीदियो 25-30 हजार को। आहा। पानी ठंडो करे एकदम ठंडो। थे बैठो भाई सा, मैं आऊ पाची है। अरे हनीसका बीननी, बाईसा के वास्ते थोड़ी चाय बना दो और नाश्ता के मायने नमकीन और बिस्किट घाल दीजो, है ना, कोरी चाय मत ले रहा जो है, शेर के मायने नाश्ता आस्ता करिया करे ये वास्ते, तो नमकीन ही घाल दीजो और बिस्किट घाल दीजो, घाल लिया होते ठीक है। हाँ मम्मी जी, बस चाय बन गई है, लेके आ रही हूँ मैं, आप चलो। अरे छोटोड़ा भाईसा नक पालिस लगाओ नी, ध्यान है मार घर के मायने काम करवा वास्ते तो अब नौकरिया ने रखी ओड़ी है ने, जो को बाप मैं तो लगाती रहू है ना। अच्छा भाभी मैं सुनियो बड़ोड़ी जीजी भी आ रही है आज। हाँ फोन तो आयो कि मैं ही आऊ। मम्मी जी नाश्ता लो लो, छोटोड़ा भाई सा नाश्ता आएगा, नाश्ता करो। हाँ हाँ लाओ रखो। ठीक है थे अब बड़ा, आज को नमकीन और बिस्किट सगा पहले मंगा रख दिया मैं, और आज तो सब्जी था पसंद की बनाई हूँ पत्ता गोभी की। भाभी ओ भाभी, बीननी देख रहा हो तो कौन है? हाँ मैं देख के आती हूँ। अरे बड़ी वाली बुआ सा आप पगे लागू। वाह वाह बीवनी, जीवता रहो जीवता रहो। अंदर आ जाओ, मम्मी जी और अंदर ही है, आ जाओ। हाँ भाभी किया हो? आओ आओ मोटोड़ा भाईसा आओ। हाँ अरे छोटी बहन तू आएगी? हाँ हाँ जीजी भाईसा मैं तो आएगी। अरे जीजी यहाँ कहीं, मैं पिछली बार आई 2-3 महीना पहले, जने भी मैं था आई ड्रेस देखी, और आज ते पाछी आई पैर आएगा। मैं तो भाभी हूँ एक बार ड्रेस पहरू नहीं तो 10-15 दिन बत्ती कौन पहरू पछवी ने। वो कहीं है के मैंने अच्छो की लगी मैं ये वास्ते पैर आएगी। बीननी है एंटे चाय बना दियो जाओ। अरे भाभी ये देखो मैं थोड़ा खेने ले रही हूँ खिचा रबोड़ी रहने लो, ये दे दो बीननी लो। ए देखो एक मायन तो नहीं मंगोड़िया बे सगली है थोड़ी सब्जी बना बन काम आई मैं के सूखी सांगरिया केर सगला बे ले रही हूँ ठीक है नी, ए रबोड़िया है ए सब्जी बना बा केर काम आ जाए। थोड़ी बूंदी है मैं के टाबर कोई खा ले मिठाई है। खिचिया राबोड़ी ये सब कहीं ले रहे हो जीजी भाई साहब, है ये सब तो भाभी के घर में ही घना ही है। हाँ छोटोड़ा भाई साहब देखो ना है, अब ये कोई लाबा की चीज है, अब तो मार घर ही घनी पड़ी है, मैं खुद ही बनावा है तो कहीं लाया है को है। ये भी कोई लाबा की चीज है की? अब थान तो ध्यान ही है भाभी, बट अम्मा के गांव में तो और की तो मिले है कोनी, बस ए सूखी सब्जियां यही है अब घर की है बटे तो। मैं चाय लेके आती हूँ। थे बैठो दोनों बहन बातें करो मैं आऊँ। और बता बहन क्या है तू? अबर वाबर पावना सब सावल एक सगला? मारे तो सब बहुत बढ़िया है जीजी, बस तो देखो मोबाइल अबार ही खरीदियो, थाने तो चला कोई को नहीं आता उल्लो आलियान को है नी। नहीं नहीं बहन मन तो कट चलानो आवे, मैं तो जानू ही कोनी आनका के मायने, टाइम ही कौन मिले गांव के मायने, घर को और बाड़ा को और गायां भैंसियां को और काम असगलो इतो रेवे। अरे बीननी सुनो चाय बनाओ जनने, थोड़ो पानी घाल दीजो मायने सावल है ने, कोरा दूध की मत बना दीजो थे।
अच्छा कोई नहीं मम्मी जी, पर नाश्ता तो डाल दो ना प्लेट में। नहीं नहीं, नाश्ता वास्तो की गालबा की जरूरत को नहीं है, कहीं जरूरत है एक किसे दिन नाश्ता करे, गांव में तो रेवे जाने का ही है कि कौन जाने है कगर के मायने किसे नाश्ता करे, सुबह उठ रोटियां ही खावे सीधी। थे तो ने चाय बना लियो खाली, ये खाली ध्यान रख जो, और ज्यादा पानी मतलब दूध वूध गालबा की जरूरत को नहीं, इलायची विलायची मत गाल जो, ले आओ जल्द। हाँ बीन नहीं लियो, बड़ोड़ा भाई सा लियो चाय ले लियो, बड़े वाले बुआ सा चाय। मैं थोड़ा खाने की तैयारी कर लेती हूँ। चिंटू मम्मी थन बाया आएगी क्यों? हाँ हाँ बसंती भाई आएगी बाया सगली, आ जाओ मायन आ जाओ। अरे भाभी आओ आओ धोख दे। भाईयो थन स्वाग भाग अमरो और भगवान थाना जया निरोगा रो, भगवान थाना जारी उम्र करो गणी सा। छोटके भाई सा है कि शहर आला? अरे बसंती भाई ए शेर आला भाई सा है, शेर में रेवे। तो वाला शेर में हुए तो काई हुई हो भाई सा, शेर में भलाई जाओ नी, शेर में तो रेवी है, पर बोलना क्यों जाओ भाई सा, छोका बोलो तो सही की कोनी भाई हो आजकल हवा है। तो आओ थे बैठो। मैं बैठू कोनी भाई हो, अब मैं घरे जाऊँ, मैं थानी भाई हूँ मिलवा वास्ते ही आई हूँ। छोका बड़ोड़ा भाई सा मिल गया, छोटकिया शेर का है तो ही मिल गया, मिल लिया अब मैं जाऊं भाई हो। वाह ठीक है, ध्यान रखो ताको। हाँ ध्यान रखो और। हाँ ठीक है। ए छोटोड़ा भाई सा लो खाना को टाइम हो गो, खानो लगाऊं बैठो नी। हाँ हाँ चलो बड़ोड़ा थे बैठ जाओ। जिमो जिमो भाई सा सब्जी किसी की बनी है छोटोड़ा भाई सा? भाभी सब्जी इतनी हो अच्छी कौन बनी, कोई खास कौन नहीं। आहा नहीं नहीं छोटी बहन सब्जी तो बहुत बढ़िया बनी है, मन तो बहुत अच्छी लगी भाभी, खानो बहुत बढ़िया बनियो है। हाँ हाँ थाने बढ़िया लगे क्यों कोनी, कदे देखियो ही कोनी उलो थे तो यान कोई जिसे खाओ आज। काई है कि मैं तो आजकल अधिकतर पनीर की खाऊं ने ई वास्ते आदत पड़ गई। संगे छोटोड़ा भाई सा काई पियो थे कि कॉफी चाय पियो की? हाँ भाभी मैं खानो खाया बाद के मैं थोड़ी कॉफी पिया करूँ, मार वास्ते थोड़ी कॉफी बनवा दो। हाँ ठीक है बीननी जाओ छोटोड़ा भाई सा के वास्ते कॉफी बना लियाओ। अच्छा ठीक है मैं कॉफी बना के लाती हूँ। बड़े वाले भुआ सा आपके लिए क्या बनाऊं? नहीं नहीं बीननी मैं तो की कौन पियू रोटी खाया पच्चे। छोटोड़ा भाई सा लियो और देखो वो था के बेस और मारी तरफ था के वास्ते सिवार पेरे जिसो बढ़िया है बाजारू ले रही उते सिवार पेर लीजो ठीक है। मोटोड़ा लियो वो था के वास्ते। अरे बाबी मैं तो खाली मिलबा वास्ते आई, नरा दिन होगा ई वास्ते, इतना खर्चा की कोई जरूरत को नहीं। तो पेरे जिसो है देख लियो है जो पेर लीजो। हाँ भाभी बढ़िया है मैं सिंवार ले हूं। पीर मु तो चाहे की मिलो सब चौक को ही लागे, मैं जरूर सिंवार पेर ले हूं। भाभी मैं काई करूं यान की ड्रेस रा कर हैं बताओ थे, इतनी हल्की ड्रेस में पहरू तो हूं को नहीं। मैं तो देखो के थोड़ी महंगी पहरिया करूं अब, हाँ तो बहुत हल्की ड्रेस है भाभी यान की कौन पहरी, मैं ही आगे ले जा कटी अटी नोटी लेबा देबा में ही सजाऊं। पर छोटोड़ा भाई साहब मैं तो सगला बढ़िया ले ले रही आई ही। अरे छोटी बहन यहाँ क्यों कह रही है, भाभी बढ़िया ही बेस करायो है। अरे जी जी थाक कहीं है, थाके तो हुए जान की चाले थे तो सब पैरों हुए जान का ही है, पर मैं यहाँ हर बयान का कपड़ा तो पैरू को नहीं थे तो सगला ही पैर लो की बुलाई। पर पीरू भाभी की दियोड़ी चीजा में हल्का भारी नहीं करनो बहन, थाके तो सगला चाले हड़कार भारी। क्यों छोटे वाले भुआ सा, बड़े वाले भुआ सा क्या इंसान नहीं है जो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता?
आखिर वो भी इसी घर की बेटी ही है, जैसे आप हो वैसे ही वो है, फिर उन्हें फर्क क्यों नहीं पड़ता? लेकिन फिर भी बड़े वाले भुआसा रिश्तों की अहमियत समझते हैं, इसलिए वो किसी भी चीज में कोई नुक्ताचीनी नहीं कर रहे हैं, कोई कमी नहीं निकाल रहे, अपनी पीहर से दी हुई हर चीज का वो मान रख रहे हैं। आप लोगों के घर में चाहे चार ननद हो, चाहे दो ननद हो, चाहे तीन ननद हो, लेकिन अगर कोई पैसे वाली है या कोई गरीब है तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपके लिए सब बहनें समान होनी चाहिए, आप उनकी भाभियां हो, आपको अपनी सब ननदों को बराबर रखना चाहिए। आप लोग क्यों पैसों के दम पर रिश्तों को तोलते हो? कोई ननद शहर से आई है, भुआसा शहर से आए हैं, बड़े शहर से आए हैं, पैसे वाले हैं, तो आप चाय के कप लेके उनके आगे पीछे भागते हो। कोई भुआसा गरीब घर के हैं, गांव से आए हैं, तो आप लोग उनको पानी को भी नहीं पूछते हो। अपने मायके में, इस मायके में जितना छोटी वाली भुआसा का हक है ना मम्मी जी, उतना ही बड़ी वाली भुआसा का भी हक है। तो जब आप छोटी वाली भुआसा को उनके पसंद से बेस कराते हो, उनके पहनने लायक बेस कराते हो, तो फिर बड़े वाले भुआसा को कुछ भी दे के क्यों टाल देते हो? छोटी वाली भुआसा के आने पर तो उनके पसंद का खाना बनता है, तो बड़ी वाली भुआसा के लिए क्यों नहीं बनाते हो? रिश्तों को इतना ज्यादा पैसों से क्यों तोलते हो आप लोग? अगर और कुछ नहीं कर सकते तो कोई नहीं, कम से कम बहन बेटियों को तो एक बराबर रख लिया करो। नहीं नहीं बीननी, एक मायने छोटी बहन को भाभी को काहे दोष है? वो सब तो मार कर्मा को खेल है, मार कर्मा में जुको लिखियोड़ है बिसे हुरियो है मार साथे। नहीं बड़े वाले भुआसा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ना ही आपकी किस्मत का कोई दोष है, लेकिन गलती है उन लोगों की जो पैसों के लिए रिश्तों के अंदर भेदभाव करते हैं। कोई बहन अमीर है तो उसको ज्यादा मान देते हैं, कोई बहन गरीब है तो उसको पूछते तक नहीं है। आपकी कोई गलती नहीं है भुआ सा। कॉफी ठंडी हो गई है छोटे वाले भुआ सा, मैं वापस बना के लाती हूँ।